साइप्रस के प्रधानमंत्री की अश्लील हरकत, ना शर्म ना लिहाज, कैमरे के सामने ही ये शुरू हो गए। पूरी दुनिया में हो रही है प्रधानमंत्री की फजीहत। कैमरे के आगे ही मास्टर बेट करने लगे प्रधानमंत्री। उत्तरी साइप्रस के प्रधानमंत्री ने कैमरे के सामने ही कांड कर दिया है, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया में उनकी फजीहत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि भला प्रधानमंत्री ने क्या कांड किया है, तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा एक शख्स कैमरे के सामने मास्टर बीट करना शुरू कर देता है और एक पल के लिए भी अपनी कुर्सी की मर्यादा का लिहाज नहीं करता। उत्तरी साइप्रस के प्रधानमंत्री का वीडियो पूरी दुनिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें मास्टर बीट करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो लीक होने के बाद पूरे देश में जमकर बवाल मच गया है और प्रधानमंत्री को आखिरकार अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा है। हालांकि उन्होंने राजनीति से कदम पीछे हटाने की बात से इनकार कर दिया है और इस घटना के पीछे माफिया का हाथ बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि खुद को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने के लिए प्रधानमंत्री हाथ पांव मार रहे हैं। एडसन सैनर की बेहुदा हरकत, प्रधानमंत्री की कुर्सी को किया दागदार, पहले जिद पर अड़े फिर कुर्सी से गिरे। दोस्तों उत्तरी साइप्रस के इस घिनौने प्रधानमंत्री का नाम है एडसन सैनर, जिनका वीडियो अभी उत्तरी साइप्रस का बच्चा बच्चा देख रहा है और पूरा देश उनके ऊपर थू थू कर रहा है। वीडियो में उन्हें साफ तौर पर मास्टर बेट करते हुए देखा जा रहा है, लेकिन वो शर्मिंदा होने या पूरे देश से माफी मांगने की बजाय ढीठ होकर वीडियो को ही फर्जी बताने में अड़े हुए हैं। हालांकि उनकी सरकार में शामिल पार्टियों ने जब सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो फिर उन्हें भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री सैनर ने इस घटना के पीछे माफिया का हाथ बताया है और कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई और माफिया के इशारे पर इसे लीक किया गया है। इस्तीफे की हो रही थी मांग, कांड के पीछे बताया माफिया का हाथ। साइप्रस नेता एडसन सैनर अपनी राष्ट्रीय एकता पार्टी यूबीपी के सरकार से हटने के बाद पहले से ही राजनीतिक दबाव में थे। हालांकि वो अपनी जगह पर बने हुए थे और रिपोर्ट है कि अब वो देश में जल्द होने वाले चुनाव में भी अपनी दावेदारी जताएंगे, लेकिन मंगलवार को अपमानजनक वीडियो सामने आने के बाद देश में इस कदर भूचाल मच गया था कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेहद घिनौना और आपत्तिजनक है वीडियो, कैमरे के सामने हो गए नंगे। वीडियो में उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देखा जा रहा है और उन्हें कैमरे के सामने नंगा देखा जा रहा है और वो मास्टर बेट करते दिखाई देते हैं। वीडियो में एक लड़की भी दिखाई दे रही है जिसका चेहरा वीडियो में नहीं है, लिहाजा लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र करीब 20 साल के आसपास होगी। आरोपों पर प्रधानमंत्री का झूठ, वीडियो के पीछे बताया माफिया का हाथ। वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री एडसन सैनर ने कहा कि उन्हें साजिशों के तहत फंसाया गया है और वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया है मानो वो कैमरे के सामने आपत्तिजनक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के जरिए मुझे बदनाम किया गया है और ये टेक्नोलॉजी का सबसे खराब उदाहरण है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि कोई मुझे मेरे प्यारे देश मेरी पार्टी की सेवा करने से रोकना चाहता है, लेकिन वे ऐसा राजनीतिक माध्यम से नहीं बल्कि खुले हमलों के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से एक साजिश तैयार की गई है। क्या तुर्की है साजिश के पीछे शामिल? क्या वीडियो को किया गया है एडिट? प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे तुर्की के माफिया का हाथ है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मुझ पर, मेरे परिवार, मेरी पार्टी और हमारे राजनीतिक संस्थानों पर हमला किया गया है, इसलिए हम अपने कानूनी सलाहकारों के साथ स्थिति का आकलन करना जारी रखेंगे। तुर्की के पत्रकार एर्क एडजियारर ने मंगलवार रात ट्विटर पर सबसे पहले वीडियो के होने की सूचना दी थी, जबकि प्रधानमंत्री का कहना है कि ये वीडियो फर्जी है और मीडिया से बात करते हुए कहा कि वीडियो में वो नहीं है।